एक दफा का जिक्र है कि एक सारस और एक लोमड़ी में दोस्ती हो गई। एक रोज लोमड़ी ने सोचा कि सारस का मजाक उड़ाना चाहिए। उसने सारस से कहा, भाई सारस, कल हमारे यहाँ खाना खाने आना। सारस ने कहा, आप बड़ी अच्छी दोस्त हैं, मैं जरूर आऊंगा। जब सारस लोमड़ी के यहाँ गया तो उसने देखा कि उसने छोटी छोटी प्लेटों में शोरबा डाल रखा है। लोमड़ी के लिए तो इन प्लेटों में से शोरबा खाना कुछ बड़ी बात न थी। वो लगी चाटने, मगर बेचारा सारस वो क्या करता। वो लोमड़ी की देखा देखी शोरबे में ठूंगी मारने लगा, मगर खाक भी पल लेना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि लोमड़ी तो सारी प्लेटें चट कर गई और सारस बेचारा भूखा गिरा। जब खाना खत्म हो गया तो लोमड़ी ने कहा, क्यों भाई सारस, तुमने पेट भर के भी खाया या तकल्लुफ में ही रहे? वैसे शोरबा अच्छा था ना? सारस ने जवाब दिया, आपने मुझे खाना खिलाया, बड़ी मेहरबानी, अब मैं आपके गुण गाऊंगा। हाँ, कल मेरे यहाँ खाना खाइएगा। अगले दिन लोमड़ी सारस के घर खाना खाने गई। दिल में कहती थी कि खाना मजेदार होगा, खूब खाऊंगी। सारस ने भी खाने के लिए शोरबा ही तैयार किया था, लेकिन उसे तंग मुंह के बर्तन में डाल रखा था। जब दोनों दोस्त खाना खाने लगे तो सारस ने बर्तन में अपनी लंबी चोंच डालकर शोरबा पीना शुरू कर दिया। लोमड़ी अपना मुंह बर्तन में डाल ही नहीं सकती थी। वो बर्तन की तरफ गर्दन उठाकर देखती और अपना सा मुंह लेके रह जाती। किसी ने सच कहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे।